हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अकीटा इनू के ऊपर। हम देखने की कोशिश करेंगे भाई अकीटा कहां तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी बाइनेंस क्या, इसको लिस्ट करेगा कि नहीं लिस्ट करेगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे और देखेंगे अकीटा की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। तो वो सारी की सारी बातें मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ मूव करूँ, अपने टॉपिक की तरफ मूव करूँ, अपने अकीटा की तरफ मूव करूँ, आई रिक्वेस्ट यू इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ, जल्दी जल्दी जाके वो जो लाल वाला बटन आप लोगों को दिखाई दे रहा है उसको दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं ताकि अकीटा इनू हो या कोई भी कॉइन इसके रिलेटेड, कोई भी अपडेट, कोई भी न्यूज़, कोई भी कंटेंट, कुछ भी निकल गया वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस चीज़ को मिस ना कर सके। सो यहाँ पे विदाउट बीइंग वेस्टिंग एंड टाइम बात करेंगे अकीटा की जो चल रहा है। 2930 नंबर पे रैंक करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके प्राइस की मैं आपके साथ बात करूँ तो बहुत सारे जीरोज़ के बाद 1057 इसकी करंट प्राइस है और ये पीछे 24 घंटों में 1.04% हमें डाउन जाता हुआ दिखाई दे रहा है और ये BTC के हिसाब से 2.76% का डाउन जा चुका है और Ethereum के हिसाब से 4.97% ये पिछले 24 घंटों में डाउन जा चुका है। तो भाई ये ओवरऑल करंट कंडीशन से करंट हालात हैं अकीटा के। दूसरी तरफ अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो भाई ये 30.22% जो पिछले 24 घंटों में अकीटा इनू है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इन्हीं हालात के साथ हमें दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स की तो वो भी हमें ये बता रहा है कि भाई मैं तो आज 25 स्कोर के साथ एक्सट्रीम फेयर कंडीशन में हूँ, कल भी मैं 25 स्कोर के साथ एक्सट्रीम फेयर में था, लास्ट वीक भी जो हमें 27 स्कोर के साथ फेयर में था और लास्ट मंथ भी मैं 27 स्कोर के साथ फेयर में था। तो भाई ओवरऑल जो मार्केट है वो फेयर कंडीशन में देखने को मिल रही है। तो वहीं पे दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं ओवरऑल जो अकीटा के जो BTC वगैरह की, पहले मैं आपके साथ बात करूं तो BTC जो 1.75% का हमें गेन दिला रहा है और $17,000 की करंट प्राइस के साथ उससे भी अबव मूव कर रहा है और तकरीबन Ethereum 1300 पे मूव कर रहा है, 1.13% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर मैं देखूं BNB 6.73% का हमें गेन दिला रहा है, तकरीबन $278 की प्राइस में चल रहा है। तो ये ओवरऑल हमारी मार्केट है वो इन्हीं कंडीशन के साथ हमें मूव करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ मैं अकीटा को अगर फॉलो करता चलूँ तो भाई अकीटा इनका जो ट्विटर हैंडल है उसमें तकरीबन 34.4K फॉलोवर्स हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे मुझे एक चीज़ शेयर की, टॉप 10 क्रिप्टो मीम कॉइंस बाय लूनर क्रशर गैलेक्सी स्कोर के साथ अगर मैं टॉप मीम्स कॉइन आपको दिखाऊं तो उस लिस्ट में हमने देखा है कि हमें अकीटा का भी नाम देखने को मिला है, जो तकरीबन 10वें नंबर पे जो अकीटा था वो टॉप जो था सोशल इंगेजमेंट के हिसाब से हमें देखने को मिला था। तो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद ट्रेड डोज की तरफ से भी ये शेयर किया गया कि जो उनकी तरफ से जो मीम जो सोशल इंगेजमेंट के हिसाब से जो मीम कॉइन है तो उस लिस्ट में भी हमने देखा कि भाई अकीटा वो हमें 5वें नंबर पे देखा। तो इनमें आप कह सकते हैं कि अकीटा काफ़ी जो है लोगों को सोशली इंगेज कर रहा है। एक तो ये चीज़ है कि भाई वह सोशली इंगेज चल रहा है, उनके एयरड्रॉप्स वगैरह उनकी जो सोशल टीम है वो हमें काफ़ी एक्टिव देखने को मिल रही है। दूसरी तरह अगर मैं बात करूँ अकीटा की वेबसाइट पे तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अकीटा इज अ टोकन क्रिप्टोकरेंसी दैट स्टार्ट एज अ मीम थ्रू द सपोर्ट ऑफ द कम्युनिटी, वी हैव ब्रिजेड द एवलांच फॉर द प्रोजेक्ट गवर्नेंस। ये बिल्कुल ये एवलांच की ब्रिजिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं और यहाँ पे इनका सीधा कहना है कि भाई हम तो हैं एक मीम करेंसी, जिस तरह आपको शिबे वगैरह जो देखने को मिला। और अगर मैं बात करूँ तो ये तकरीबन याहू पे भी देखने को मिला, एसोसिएटेड प्रेस पे भी देखने को मिला, बैंकलेस और crypto.com पे, फोर्ब्स पे, इन्वेस्ट में, हैकन ब्राउन में, बेंजिंगा में, तो ये फेमस साइट्स हैं जो इनके ऊपर पब्लिश कर चुकी है, इनको स्पॉन्सर कर चुकी है। दूसरी तरह मैं बात करूँ तो ये इसको आप इजीली अगर खरीदना चाहते हैं तो यूनिस्वैप पे खरीद कर सकते हैं। और यहाँ पे फिलहाल इनकी जो वेबसाइट है उसमें कोई भी इतना ऑफिशियली जो है वो इसका जो रोड मैप वगैरह नहीं शेयर किया गया है और ना ही इनके सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा बताया गया है, लेकिन इनका जो वाइट पेपर है वो नया वाइट पेपर आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस नए वाइट पेपर पे आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँ जिसमें मैं आपके साथ इसका जो नया वाइट पेपर है उसमें इनकी रोड मैप में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, अगर आप चाहते हैं कि वो मैं आपके लिए लेके आऊँ तो वो भी आपके लिए एक अलग सी वीडियो में लेके आऊँगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लेकिन फिलहाल जो ये हालात चल रहे हैं इन हालात के साथ मुझे नहीं लगता कि ऐसा मीम कॉइन, इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मीम कॉइन पड़े हुए हैं, मेबी डोज कॉइन जैसे और भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मीम कॉइन पड़े हुए हैं जो मेबी इन फ्यूचर बाइनेंस में लिस्ट हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल अकीटा इनू का कोई भी मुझे चांस नहीं देखने को मिल रहा कि भाई बाइनेंस इसको लिस्ट करेगा। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप अकीटा के बारे में क्या सोचते हैं। मुझे अभी देखिए छोटी सी वीडियो थी लेकिन आपको पसंद आई और आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है। पीस, थैंक यू।